एंग्लो इंडियन न्यूज सच के तहत। दोस्तों नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। खबर आई नरवल कानपुर नगर से, जहां ग्रामीणों द्वारा आयोजित कराई गई है 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत में पूरे गांव में भव्य कलश यात्रा और मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। भागवत आचार्य कुलदीप पांडे ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा में कलश यात्रा का बहुत ही महत्व है। श्रीमद् भागवत कथा के स्मरण करने से लोगों में भगवान के प्रति आस्था बढ़ती है। जिस प्रकार कलश में जल भरता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा का स्मरण करने से हमारे जीवन में तमाम कष्ट दूर होते हैं। श्रीमद् भागवत कथा आचार्य के साथ साथ ढोलक वादक रामजी अग्नोत्री, आर्गन वादक राजन तिवारी आदि दिखे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामप्रसाद मिश्रा, उदयवीर सिंह, परिचित रजोल मिश्रा, विजय शुक्ला, मनोज कुशवाहा, कृष्णपाल द्विवेदी, संदीप शर्मा, छंगू शालू सिंह, पोते सिंह, दिलीप कुमार आदि मौजूद रहे। कानपुर नगर से संदीप कुमार की खास रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज़।